हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब हमने जब आप ये रिवीजन लेक्चर देख रहे होंगे तो आई होप आपने सारा सिलेबस पढ़ लिया होगा, एंड एक से दो बार उसके बाद ही आपको ये रिवीजन लेक्चर समझ में आएगा। बिकॉज रिवीजन के नाम पे व्हाट आई एम डूइंग दिस, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक चार्ट दूंगी जिसमें आपको इन शॉर्ट सारी चीज़ें लिखी होंगी, और आप एग्जाम के एक दिन पहले भी अगर ये चीज़ देखोगे तो आप उससे रिलेट कर पाओगे। बट मैं वापस रिपीट करूंगी कि मैं होप करती हूँ कि बिफोर यू सी दिस रिविजन लेक्चर आपने एक से दो बार, देखिए एक बार तो आपने मेरे साथ पढ़ा होगा वीडियो में, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम आपने खुद रिवाइज किया होगा, उसके बाद ही आप ये रिलेट कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सर अभी मैं ये सिलेक्ट कर लेती पहले ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, डन। अभी लेट्स स्टार्ट विथ योर। सबसे पहले हमने पता है यादें पढ़ा था, मैं आपको यादें यादें इसीलिए बोलूंगी क्योंकि मैं मान लेती हूँ, अज्यूम कर लेती हूँ कि यू नो एवरीथिंग दैट आई हैव टॉट यू, राइट? तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ह्यूमन एक्टिविटीज। एज हर ह्यूमन बींग कोई ना कोई तो काम करता है, कोई ऐसे ही वेला तो नहीं बैठा होता है, कुछ ना कुछ तो करता है। जैसे फिर उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपकी मॉम आपके लिए खाना बनाती है, आपको चाय देती है, कॉफी देती है, तो इन सब के लिए वो पैसे चार्ज नहीं करती है, राइट? सो देयर आर नो मॉनेटरी कंसिडरेशन फॉर इट। हाउएवर ये सारी चीजें कैसे होती है, आउट ऑफ लव और अफेक्शन की जाती है, ठीक है ना? और उसी ऑन द अदर हैंड जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो मॉनिटरी है, भाई पैसा बोलता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी आया तो पैसा आता है, राइट? तो इसके अंदर मैंने क्या लिखा है कि एक्टिविटी दैट आर डन फॉर मनी और मनी इज वर्थ। जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं आपको बोलूंगी कि आप ठीक है कुछ इससे इक्विवेलेंट आप मेरे पास गिरवी रख के जाओ। सो इट इज फॉर मनी और मनी इज वर्थ, ठीक है? अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज फुल स्टॉप, क्योंकि हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं और हम पैसे और बिजनेस में डील करेंगे। सो दिस इज नो वे कि हम बिना पैसे वाली बात नहीं करेंगे, ठीक है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट, जो हमने पढ़ा था कि एम्प्लॉयमेंट, सेकेंड इज प्रोफेशन, एंड थर्ड वन वॉज बिजनेस। पढ़ा हमने कैसे था, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बट क्योंकि बिजनेस के और भी पार्ट्स हैं तो लेट्स फिनिश ऑफ विद जो हमारे इतने काम का नहीं है, बट हाँ आंसर आ सकते हो। ओके, सो एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में हमने क्या पढ़ा था, लेट्स रिकलेक्ट। जब कोई नौकरी करता है तो एक इंसान दूसरे इंसान के लिए नौकरी कर रहा है, जिसके लिए करता है वो एम्प्लॉयर है और जो नौकरी करता है वो एम्प्लॉय है, राइट? उनको सैलरी मिलता है या वेजेस मिलता है, वेजेस पर डे बेसिस पे होता है या फिर मंथली बेसिस पे होता है, और सैलरी मंथली बेसिस पे होता है, ठीक? एम्प्लॉयमेंट में कोई क्रिएटिविटी नहीं है, एम्प्लॉय को जो एम्प्लॉयर बोलेगा उसको सिर्फ और सिर्फ वही करना है, मतलब नो डिसीजन मेकिंग एट ऑल। प्रोफेशन हमने पढ़ा था कि उसमें एक्सपर्टाइज, नॉलेज और क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, उन्हें अपने काउंसिल से रजिस्ट्रेशन नंबर या मेंबरशिप नंबर लेना होता है और उनको बदले में फीस मिल रहा है। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें मैंने जो नीचे ब्रैकेट में लिखी है ना, ये रिवॉर्ड्स हैं। जैसे एम्प्लॉय को रिवॉर्ड में सैलरी या वेज मिलता है, प्रोफेशन वालों को फीस मिलती है और बिजनेस वालों को प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है, ठीक? तो बिजनेस के बारे में कई सारी चीज़ें पढ़ी है कि उसमें रिस्क होता है, दो पार्टीज का होना ज़रूरी है कि नहीं? तो फर्दर मैं आगे बढ़ूंगी कि बिजनेस के अंदर होते हैं दो पार्ट। सबसे पहला होता है इंडस्ट्री एंड द सेकेंड वन इज कॉमर्स। जो इंडस्ट्री होता है उसका काम होता है सिर्फ प्रोडक्शन, सिर्फ बनाना, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है कॉमर्स का। ओके, तो कॉमर्स इंडस्ट्री क्या करता है, प्रोडक्ट को बनाता है। जैसे कि मैंने आप देख रहे हो, मैंने लिखा होगा कि रॉ मटेरियल को मशीन और लेबर की हेल्प से एफजी बनाया जाता है, ठीक है? तो ये फिनिश गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है ना, ये फिनिश गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो काम है वो कौन करता है, कॉमर्स करता है। मैंने गुड्स तो बना दिए, अब वो कैसे लोगों तक पहुंचेगा, तो उसके लिए हम कॉमर्स का यूज करेंगे, फाइन? अब आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्री के अंदर होते हैं तीन पार्ट्स। फर्स्ट वन इज प्राइमरी, सेकेंड वन इज सेकेंडरी, एंड थर्ड वन इज थर्डरी नहीं टर्शरी, ठीक है? सो प्राइमरी के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि सारी चीजें नेचर से मिलती है, मतलब एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री, ठीक है?
शॉर्ट में पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर आया तो फार्मर्स और लैंड दिमाग में आना चाहिए, एक्सट्रैक्टिव आया तो कोल्स और माइंस जो हम अंडरग्राउंड से निकालते हैं, जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जेनेटिक आया तो रिप्रोडक्शन, और याद है मैंने बताया था सेरिकल्चर हॉर्टिकल्चर। सेरिकल्चर क्या है, जो सिल्क वर्म का रिप्रोडक्शन करते हैं, सिल्क बनाते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, जो हम गार्डनिंग करते हैं, नर्सरी बनवाते हैं, वैसे सब चीज़, ठीक है। तो सेकेंडरी में आता है मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, मतलब मैन्युफैक्चर में हम गुड्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, और कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री दैट क्रिएट्स अ इमूवेबल वेल्थ, मतलब बाकी जो इंडस्ट्रीज क्रिएट करती है वो एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है, बट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो गुड्स गुड्स नहीं बनाती है, मतलब बिल्डिंग्स है, डैम्स है, ब्रिजेस है, ये सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो सकती, राइट। अब टर्शरी सेक्टर का काम क्या है, उसके फिनिश गुड्स तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में ही बन जाता है। टर्शरी क्या करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट सर्विसेज देता है। तो उन सपोर्ट सर्विसेज में कुछ सर्विसेज मैंने मेंशन किया है, जैसे ट्रांसपोर्ट है, कुछ चीज़ें यहाँ से वहाँ लेके जानी है उसके लिए, बैंकिंग है अगर पैसे का लेन देन करना है तो, होटल इंडस्ट्री है खाने वाने के लिए, टूरिज्म इंडस्ट्री है अगर आपको लोग बाहर के देश से आते हैं घूमने फिरने के लिए, तो टूरिज्म इंडस्ट्री क्या करता है, जैसे आपने देखा होगा ना कि आप दूसरे अगर स्टेट में जाते हो, जैसे आगरा वगैरह या ताजमहल देखने जा रहे हो, तो वहाँ पे है ना बहुत सारे टूरिस्ट विजिटर्स घूमते रहते हैं जो आपको ताजमहल के बारे में ए टू जेड नॉलेज देंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, ये बाहर की कंट्रीज से आने वाले लोगों से पैसे देते हैं, तो उससे क्या होता है, फॉरेन करेंसी इंडिया में आती है और हमारे इंडिया में डेवलपमेंट होती है, हमें ज़्यादा पैसा मिलता है इसलिए। फिर थर्ड वन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जैसे कि हम मॉल्स वगैरह में, थिएटर्स में टीवी देखने, मूवी देखने जाते हैं, या ये सारी चीज़ों से क्या होता है कि इकोनॉमी जनरेट होती है, पैसा जनरेट होता है, लोग बाहर खर्च करते हैं तो उससे कंट्री को ओवरऑल इनकम जनरेट होती है, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं कॉमर्स। कॉमर्स में दो पार्ट्स थे, एक था ट्रेड और दूसरा था ऑक्सिलरी। सो ट्रेड था, बहुत डिफिकल्ट वर्ड है, मैं याद नहीं करूँगी, आपको याद करना था, आप करो, मैं उसको एड्स टू ट्रेड बोलूंगी क्योंकि एड्स टू ट्रेड इजी भी है याद करने के लिए। और एड्स टू ट्रेड, एड्स का मतलब क्या होता है, आपको पता है फर्स्ट एड किट होता है, तो एड का मतलब क्या है, जो आपको हेल्प करें, तो एड्स टू ट्रेड एकदम सिंपली याद होगा कि हेल्प टू फैसिलिटेट ट्रेड, राइट। ट्रेड का मतलब मैंने आपको बताया था कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जहाँ बाइंग और सेलिंग साथ में आया तो ट्रेड हो गया, और दूसरा है फैसिलिटेट ट्रेड के लिए आया तो वो है एड्स टू ट्रेड, राइट। अब ट्रेड के अंदर दो पार्ट हो जाता है, होम ट्रेड, नाम से ही पता है होम ट्रेड मतलब घर ही घर में खेलना है, मतलब इंडिया के अंदर जो भी बाइंग एंड सेलिंग होता है वो होम ट्रेड है, और फॉरेन ट्रेड नाम से पता चल जाता है विदेश में जाके खेलना है, मतलब दूसरे कंट्रीज से अगर कोई बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है तो वो फॉरेन ट्रेड। घर ही घर में खेलना है तो उसमें दो सेट, दो ट्रेड हो जाते हैं, एक होता है होलसेल ट्रेड और सेकेंड होता है रिटेल ट्रेड। मतलब होलसेल ट्रेड में क्या होता है कि लॉट में परचेस करते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि लॉट में परचेस किया जाता है गुड्स, और रिटेल ट्रेड में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा गुड्स कंज्यूमर को देते हैं, मतलब हम जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो रिटेलर से लेते हैं, अनलेस एंड अनटिल आपने सुना होगा हम बोलते हैं कि अरे वो होलसेल ट्रेड, होलसेल चल रहा है वहाँ पे, अरे सेल चल रहा है, सेल चल रहा है, होलसेल में खरीद लेते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, रिटेलर का जो प्रॉफिट है वो नहीं होता है, तो हमको माल सस्ते में मिल जाता है, राइट। फॉरेन ट्रेड है मतलब बाहर की कंट्रीज के साथ डील कर रहे हो, तो उसमें तीन चीज़ें होती है, एक तो इम्पोर्ट, मैंने दूसरे कंट्रीज से गुड अपने पास लाया, सेकेंड इज एक्सपोर्ट, अपनी कंट्री से बाहर की कंट्री में बेचा, एंड थर्ड वन इज एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट मतलब क्या है, एक जगह से लाया और दूसरे कंट्री में बेच दिया, जगह नहीं कंट्री है, एक कंट्री से मंगाया और दूसरी कंट्री में बेच दिया, एंट्री पोर्ट बोलते हैं। एड्स टू ट्रेड की बात करेंगे तो ये ट्रेड के लिए हेल्प करती है, तो हेल्प करने वाली आइटम कौन सी है, बैंकिंग, पैसों के लेन देन के लिए, ट्रांसपोर्ट आने जाने के लिए, गुड्स सेल करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह, वेयर हाउस, टाइम यूटिलिटी क्रिएट करती है, जैसे डिमांड आएगा अपने पास गुड अवेलेबल है, गोडाउन में जाओ गुड उठाओ और दे दो, ठीक है। अगर वेयर हाउस नहीं होता तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। इंश्योरेंस में मैंने आपको बताया था, जैसे इंसानों का लाइफ इंश्योरेंस होता है वैसे गुड्स का भी इंश्योरेंस होता है, जिसके लिए हमें प्रीमियम भरना पड़ता है, जैसे अगर नदी के थ्रू आ रहा है आपका गुड्स तो पानी में डूब गया या फिर गोडाउन में आग लग गई, तो उन सब के लिए इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है ताकि आप अपना रिस्क मिनिमाइज कर सकें, ठीक है। फिर है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्यों, ताकि आप लोगों को कम्युनिकेट कर सके कि आपके प्रोडक्ट्स के अंदर क्या फीचर्स है, उनको क्यों आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहिए।
फिर है सिक्स वाला मोगंडा लेजेंड। मोगंडा लेजेंड का मैंने आपको क्या बताया था कि मैं अगर महाराष्ट्र में बैठ के कुछ गुड्स प्रोड्यूस करूँ तो मैं हर स्टेट में जा नहीं सकती, यू नो मैं उतना कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूँ। तो मैं क्या करूंगी, हर स्टेट में एक मर्केंटाइल एजेंट अपॉइंट कर दूंगी। वो एजेंट क्या करेगा, मेरे बिहाफ पे उस स्टेट में एडवर्टाइज करेगा, मेरे प्रोडक्ट को बिकवाएगा और उसके बदले में मैं उसको क्या दूंगी, कमीशन। और लास्ट वाला है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इसलिए जरूरी है कि कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं। जैसे कि मैं पेंसिल का बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है, मेरा एक कोई फ्रेंड है जो स्केल्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, फिर एक फ्रेंड है जो रबर मैन्युफैक्चर कर रहा है। मैं क्या करूंगी, मैं कॉन्टैक्ट्स बढ़ाऊंगी, लोगों से बात करूंगी, तो हो सकता है हम सब मिलके एक बड़ा सा इंडस्ट्री बनाए जिसमें ये सारी चीजें प्रोड्यूस हो रही है। तो कम्युनिकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये ही था बस जो हमने पहले वो फर्स्ट चैप्टर के तीन पार्ट्स में पढ़े थे, वो यही था। ये दिस इज द समरी दैट यू हैव टू गो थ्रू एवरी डे। और मैं ऐसे तो ये पीडीएफ मैं आपको अटैच करूंगी साथ में, बट इट विल बी वेल एंड गुड अगर आप खुद की हैंड राइटिंग में अपनी बुक में ये चार्ट बनाएं। तो इसको सब आपको ऊपर ऊपर से देखना, सी इन डेप्थ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है एम्प्लॉयमेंट का, प्रोफेशन का, बिजनेस का। फिर इन डेप्थ है वो तो आप टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे, बट ये कैसे है कि रिकलेक्शन के लिए कि हमने फर्स्ट चैप्टर में टोटल क्या पढ़ा है। आई होप दिस रिविजन लेक्चर हेल्प्स यू, और ऐसे आगे भी रिविजन लेक्चर्स हैं आप देखते रहिए। थैंक यू।